पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय बालिवीर समाज रजिस्ट्रेट भावदस भारत के राष्ट्रीय संचालक भाई लल्ला बाबू द्राविड़ के नेतृत्व में सैकड़ों वाल्मीकि समाज के और सफाई कर्मचारी जो के प्रतिनिधि आज जिगर पार्क के अंदर एकत्र हुए और यहीं हमने 1 तारीख को जो हमारी प्रस्तावित हड़ताल है उसके विषय पर भी विचार और चर्चा की। तो आज हमें इस माध्यम से, इस मंच के माध्यम से आज महर्षि वाल्मीकि और बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए ये तय कर लिया है कि 1 जून को समस्त सफाई कर्मचारियों की हड़ताल रहेगी। यदि शीघ्र अगर नगर निगम प्रशासन और महापौर ने हम लोग के प्रतिनिधियों को बुलाकर के अगर वार्ता नहीं की तो हम नहीं चाहते। हमें कोई शौक नहीं है कि हड़ताल करें। हमें मालूम है कि ये त्यौहार रोजे रमजान का है, ये मुसलमान भाई रोजे रखे हुए हैं। अगर गंदगी हो गई, सफाई व्यवस्था ठप हो गई तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा। हम लोग नगर निगम प्रशासन से चाहते हैं कि त्यौहार को देखते हुए, रमजानों को देखते हुए शीघ्र सफाई कर्मचारी संगठनों से वार्ता करें और समस्या का समाधान सफाई कर्मचारियों की करें। हमारी कोई लंबी चौड़ी मांग नहीं है। जब आप 16,500 रुपया आप संविदा कर्मचारी को दे रहे हो, 35-40,000 रुपया आप सफाई कर्मचारी स्थायी को दे रहे हो और दोनों ही काम बराबर का कर रहे हैं, इसी सूरत से 7,500 रुपये वेतन पाने वाला कर्मचारी भी इनके बराबर का काम करने वाला है, वो अधिक ज़्यादा काम भी करता है सफाई का। इसलिए हमारी मांग है कि उनको 7,500 की जगह 15,000 रुपये का वेतन भी नगर निगम प्रशासन द्वारा होना चाहिए। हमने 7 तारीख को जब बोर्ड की सदन की मीटिंग चली थी तब भी हम लोगों ने यही अनुरोध किया था और उस पर धरना प्रदर्शन दे करके बोर्ड को नहीं चलने दिया था। अंदर बोर्ड के जाकर के हम लोगों ने अपनी बात रखी थी। माननीय नगर के विधायक श्री रितेश गुप्ता जी ने भी हमारी बात को पुनः जोर रख करके कहा था कि वाकई में इनका वेतन सम्मान होना चाहिए, इनका वेतन बढ़ना चाहिए। लेकिन महापौर जी, हम आपसे कहना चाहते हैं कि सदन में जो कार्रवाई हुई है हम लोग के लिए, उस कार्रवाई को तत्काल लागू की जाए और हमारे तमाम सफाई कर्मचारी जो 7,500 वाले हैं उनको 15,000 रुपये का वेतन दिया जाए, तब तो कोई बात बनती है। वरना हमने 1 तारीख को जो हड़ताल की घोषणा की है वो हड़ताल शहर के अंदर रहेगी। अगर आप मुसलमान विरोधी हो तो आप जरूर हड़ताल कराओगे और अगर जनता के हितैषी मुरादाबाद की तो शायद इस समस्या का, सफाई कर्मचारियों का निदान कराओगे, समस्या को हल कराओगे, यही हमारी मांग है। इसके साथ मैं धन्यवाद देता हूँ। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।